समुद्र में कोई ट्रैक्टर चलाता है क्या? उद्धव और आदित्य ठाकरे ने उड़ाया मजाक, तो सीएम शिंदे ने दिया ये जवाब। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन उद्धव ठाकरे पहली बार सदन में आए। सदन में आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार पर लगातार हमले किए। सरकार के कामकाज की आलोचना करते हुए उन्होंने एक बात ये भी उठाई कि मुख्यमंत्री ने समुद्र पर ट्रैक्टर चलाया। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो जनता के घरों पर हल चलाता है और समुद्र पर ट्रैक्टर। आदित्य ठाकरे ने भी सवाल किया कि ऐसा भला कोई कैसे कर सकता है क्या, और अगर करता भी है तो कम से कम पोज अच्छा दे। शिवसेना यूबीटी के नेताओं की तरफ से आलोचना सुनने के बाद एकनाथ शिंदे ने सदन में ही प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ठाकरे को पता होना चाहिए वो ट्रैक्टर किसका था। वह ट्रैक्टर समुद्र तट पर रहने वाले ही एक व्यक्ति का था, जिसमें लगे कॉम्बर और जाल समुद्र तट पर मौजूद कचरे को इकट्ठा करते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि सवाल उठाने वालों को इसकी जानकारी नहीं है। सीएम शिंदे ने साधा उद्धव ठाकरे पर निशाना। वहीं सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि मुंबई नगर निगम के खजाने पर जेसीबी चलाने वालों को ये कैसे पता होगा। गौरतलब है कि हाल ही में सीएम शिंदे मुंबई के तटीय इलाकों में स्वच्छता का जायजा ले रहे थे। इसी कड़ी में वो जुहू चौपाटी गए, यहाँ उन्होंने खुद ट्रैक्टर चलाया और सफाई की। सीएम शिंदे की ये तस्वीर कुछ समय में ही वायरल हो गई। किसानों को लेकर बोले उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बेमौसम बारिश, सूखा पड़ने, ओलावृष्टि होने से किसान हताश परेशान है। उन पर पहले से ही कर्ज का पहाड़ है। बैंक लोन पर भी कई पाबंदियां लगा दी गई हैं, आज उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था। शिंदे सरकार को भी धीरे धीरे पंचनामा बंद कर कर्ज माफी देनी चाहिए।